नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सही हो। कंटिन्यू आपको क्लास मिल रही है। एग्जाम होगा, जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, ये आप सोच के मत बैठो कि एग्जाम नहीं होगा। लगातार पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है? जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है उसके साथ साथ में हम ट्यूशन भी करते हैं, ठीक है? और वैसे हम एक क्लास एक्स्ट्रा भी हम टेस्ट की भी लेंगे आगे, ठीक है? तो पिछली क्लास में हमने मेमोरी यूनिट का टॉपिक पढ़ा था, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन हर हाल में आता है उनमें से, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो देखते हैं पहले कौन से क्वेश्चन है। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके, ठीक है? पहला प्रश्न देखो, पढ़ो क्या है। पहला प्रश्न क्या दे रखा है, 1 GB किसके बराबर है? पर्सन मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पर्सन आपको ध्यान से देखना है कि पूछा क्या गया है। अगर आपके पर्सन समझ में आ जाएगा तो उसका आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 GB, जीबी का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, और गीगाबाइट क्या है, मेमोरी यूनिट है, ठीक है? 1 GB किसके बराबर है पूछा गया है इसमें, तो इसमें चार ऑप्शन है। 1024 बाइट के बराबर है, 1024 किलोबाइट है, 1024 मेगाबाइट है, 1024 टेराबाइट है, ठीक है? 1 GB किसके बराबर है, इसके मैं यहां पे एक सारणी बनाता हूं। देखो पहले आता है केबी, फिर आता है यहां पे एमबी, फिर आता है यहां पे जीबी, और फिर आता है यहां पे टीबी। यहां तक ले लो ये सारणी, ठीक है? इस सारणी में से हमें समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है। अगर आपने कल की क्लास पढ़ी है तो जरूर आपको ये सारणी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। उसमें से मैंने क्वेश्चन बताए आपके, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो एग्जाम में आने वाले हैं। 1 GB किसके बराबर है, देखो केबी में तो होता है 1024 बाइट, ठीक है, ये आपको पता है। एमबी में होता है 1024 KB किलोबाइट, जीबी में होता है 1024 MB यानी कि मेगाबाइट, टीबी में होता है 1024 क्या होगा, जीबी, ठीक है? ये सारणी कल मैंने लिखवाई भी थी, ठीक है? पर्सन आप यहाँ पे आंसर आ गया ना, 1 GB किसके बराबर है, तो 1 GB किसके बराबर है, 1024 MB के बराबर है, तो यहाँ पे है क्या आंसर, 1024 मेगाबाइट, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मेगाबाइट यानी कि एमबी, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 1024 टेराबाइट किसके बराबर है, 1024 टेराबाइट किसके बराबर है? देखो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, पीबी यानी कि पेंटाबाइट के बराबर है, एमबी यानी कि मेगाबाइट के बराबर है, जीबी यानी कि गीगाबाइट के बराबर है, और वाईबी यानी कि योटाबाइट के बराबर है। कौन सा आंसर सही होगा इसमें से, देख लो इसमें क्या देखा है, 1024 टेराबाइट किसके बराबर है, ठीक है? तो यहां पे देखो ये आंसर, 1024 GB टेराबाइट पूछे ना यहां पे, तो यहां पे आगे की श्रेणी में ला लो टीबी, पीबी, पीबी होता है 1024 TB यानी कि एक पेंटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। इसका आंसर यहां पे है 1024 टेराबाइट, ये रहा 1024 टेराबाइट बराबर क्या होगा, 1 PB होगा, यानी कि 1 पेंटाबाइट होता है, ठीक है? पूछा क्या है, 1024 टेराबाइट, टेराबाइट ये रहा यहां पे 1024 टेराबाइट किसके बराबर है, पीबी के बराबर है, पेंटाबाइट। यहां पे तो आ गया कि टीबी बराबर 1024 GB होते हैं, ठीक है? उसके बाद में श्रेणी में आता है पीबी, पीबी बराबर यानी कि पेंटाबाइट बराबर होते हैं 1024 टेराबाइट, तो 1024 टेराबाइट किसके बराबर हो गया, पीबी के बराबर हो गया, कोई दिक्कत? तो इसमें आंसर पीबी आ जाएगा, पेंटाबाइट ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से सबसे बड़ी यूनिट है, ये तो बिल्कुल इजी आसान से आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कल वाली क्लास देखी है, नहीं देखी है तो पिछली क्लास आप देख सकते हो।
तो निम्न में से क्या पूछा है, सबसे बड़ी यूनिट पूछी है, सबसे बड़ी यूनिट मेमोरी की जो यूनिट है, जीबी गीगाबाइट होती है, एमबी मेगाबाइट होती है, टीबी टेराबाइट होती है, केबी किलोबाइट होती है। ये सारणी है, यहाँ पे देख लो पहले क्या आ गया, केबी, केबी है यहाँ पे, ये रहा। दूसरा क्या है, एमबी, एमबी भी है यहाँ पे। तीसरा क्या है, जीबी, जीबी भी है यहाँ पे। और चौथा क्या है, टीबी, टीबी भी है यहाँ पे। तो इसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होगी दोस्तों, टीबी होगी, यानी कि टेराबाइट होगी। क्लियर, कोई दिक्कत? बिल्कुल, चलो आगे नेक्स्ट हम करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। चलो अब देखो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ये तो थे क्वेश्चन, हम डेली टॉपिक में हम करते हैं, साथ साथ में आपकी याद होते जाएंगे, ठीक है। जो अभी नए जुड़े हैं वो एक बार शेयर कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें। चलो आगे देखो, अगला हम इसमें जारी करते हैं, पढ़ते रहा करो भाई। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख के नोट्स भी बना लो साथ साथ में, ताकि आपके जब भी एग्जाम होंगे, एग्जाम जरूर होंगे, तब आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आप तुरंत नोट्स को उनको देख सकते हो, कोई दिक्कत ना हो। चलो अब देखो कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि बिट उससे बड़ी निबल, उससे बड़ा क्या, निबल, उससे बड़ी यूनिट है बाइट, बाइट, ठीक है। छोटी से छोटी बिट, उसके बाद में निबल, और उसके बाद में क्या आती है दोस्तों, बाइट आती है। अब इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें कि बिट की वैल्यू क्या है, तो बिट की वैल्यू होती है जीरो और वन, दो ही अक्षर होते हैं जीरो और वन। निबल की वैल्यू क्या है, निबल की वैल्यू है चार बिट, ये हमने कल बताई थी। चार बिट किसके बराबर है, एक निबल के बराबर है। बाइट की वैल्यू अगर हम बात करें, बाइट की वैल्यू क्या होता है, प्रश्न आ जाए कि आठ बिट का समूह क्या कहलाता है, बाइट कहलाता है, यानी कि बाइट में बिट कितने होंगे, आठ, आठ बिट का समूह क्या कहलाएगा, बाइट कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो इसमें कि एक प्रश्न ये आ जाए, क्या आ जाए, टू की पावर थर्टी किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये प्रश्न आ जाए, यानी कि दो की पावर तीस किसके बराबर है, और इसमें से आपके पास ऑप्शन मिल जाए, क्या मिल जाए, केबी किलोबाइट के बराबर है, एमबी मेगाबाइट के बराबर है, जीबी गीगाबाइट के बराबर है, या फिर चार नंबर टीबी टेराबाइट के बराबर है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टू की पावर थर्टी किसके बराबर, ये पूछा है इसने, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं आसानी से, क्या जानते हैं कि वन के बी बराबर क्या होगा, एक के बी में कितने बाइट होंगे, 1024 बाइट होते हैं, कितने होते हैं 1024 बाइट, एक के बी बराबर 1024 बाइट होती है, ये हमें पता है आसानी से, ठीक है। और इसको अगर हमें पावर में लिखना है, यानी कि ऐसी कौन सी पावर की वैल्यू है जिसके बराबर 1024 है, मतलब 2 की पावर 10 बाइट किसके बराबर है, 1024 के बराबर है, यानी कि 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 into 2 into 2, 2 10 बार हो गया ना, तो 2 की पावर 10 ये किसके बराबर होती है, ये 1024 बाइट के बराबर है, 1024 के बराबर है। क्लियर, ये आपने पढ़ा भी है, ठीक है।
अब अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए ना, 2 की पावर 10 किसके बराबर है, तो 1 के b के बराबर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसमें ये तो क्लियर हो गया 2 की पावर 10 बाइट है। अब इसमें 1 MB KB के बाद में क्या आता है, MB आता है। तो MB बराबर 1024 इंटू 1024। ठीक है, 1024 तो बाइट का हो गया यहां पे, और 1024 है KB का हो गया बाइट। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहां पे लिखा था 1024 को 2 की पावर 10 को, तो इसको हमने लिखा था 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 बाइट, यानी कि 2 की पावर 10 किसके बराबर है, 1024 के बराबर है। यहां पर 1024 के बराबर, इतना कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, केबी हो गया, एमबी हो गया। एक जीबी की बात करते हैं, जीबी मतलब गीगाबाइट, वही हो जाएगी। यहां पे हमने 1024 लिया, यहां पे 1024 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, यहां पे 3 बार कर देंगे, फिर आगे 4 बार, फिर आगे 5 बार। ठीक है, तो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 3 बार कैसे आ गया, एक तो आ गया बाइट का, एक आ गया किलोबाइट का, और एक आ गया मेगाबाइट का 1024। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 बराबर की अगर हम बात करें तो 2 की पावर 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30, 2 की पावर 30 बाइट हो गया यहां पे। ठीक है, क्या हो गया, 2 की पावर 30 हो गया। तो यहां पे क्या आंसर दे रखा है, 2 की पावर 30 किसके बराबर है। ठीक है, तो 2 की पावर 30 बाइट किसके बराबर है, 1 GB के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे GB हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये तो एक समझाने के लिए है, ये क्या एक है, समझाने के लिए है। ठीक है, अगर आप इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास टाइम कहां रह जाएगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है भाई, टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, और भी तो सब्जेक्ट के आंसर आएंगे, उसमें क्वेश्चन आएंगे, उसके भी आपको सॉल्व करने होंगे। तो ये एक सिर्फ समझाने के लिए आपको, अब मैं इसकी सारणी बता दूंगा आपको कि 2 की पावर 10 किसके बराबर है, 2 की पावर 20 किसके बराबर है, 2 की पावर 30 किसके बराबर है, 2 की पावर 40 किसके बराबर है, तो वो आप याद कर लेना। ठीक है, ये तो एक निकालने का तरीका है। अगर ये निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन दे दे, यहां पे 2 की पावर अगर 50 भी दे दी जाएगी तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसकी एक सारणी बनाता हूं मैं यहां पे, वो सारणी यहां पे, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, आप देखो इसमें आप आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट सारणी है ये, देखो ये आप लिख लेना साथ साथ में ये सारणी। ठीक है, या फिर वीडियो को एक बार पूरा देख के उसको पॉज करके देख लेना। ठीक है, यहां पे था अपना निबल हो गया, यहां पे था बिट, और बिट में क्या होंगे, 0 और 1 होंगे। ठीक है, अब 1 KB को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, केबी को 2 की पावर 10 बाइट, डायरेक्ट बता रहा हूं, निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 2 की पावर 10 कितने होंगे, 1024 होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। 1 MB की बात करें हम, 1 MB बराबर होता है 2 की पावर 20 बाइट। ठीक है, 2 की पावर 20 यानी कि 2 को 20 बार गुणा करोगे तो 10,48,576 आते हैं, इसमें 1024 आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत एमबी के बाद में आता है जीबी, 1 GB बराबर होता है 2 की पावर 30 बाइट, इसमें भी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 2 सभी में आ रहा है, पर यहां पे हम 10 का पाड़ा पढ़ रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत, और ये सिक्वेंशियल में चलेगा। ठीक है, क्रमानुसार चलेगा, जिस तरह से केबी एमबी जीबी टीबी पीबी, ये क्रमानुसार चलेगा। 1 GB के बाद में हो गया 1 TB,
मतलब टेराबाइट एक टीबी बराबर हो गया 2 की पावर 40 बाइट। ठीक है, एक टीबी के बाद में क्या आता है दोस्तों, टीबी के बाद में आता है पीबी यानी कि पेंटाबाइट। पीबी बराबर होता है 2 की पावर 50 बाइट, कोई दिक्कत नहीं है इस यहां तक। और पीबी के बाद में क्या आएगा, पीबी के बाद में आता है हेक्साबाइट। एक ईबी बराबर 2 की पावर 60 बाइट यानी कि 2 2 को 60 बार गुणा करना पड़ेगा, जो उसका आंसर आएगा वो बाइट में आएगा। ठीक है, और ईबी के बराबर क्या होगा, ईबी के बाद में क्या आती है इसमें क्रमानुसार की बात करें तो एक जेड बी जेटा बाइट 2 की पावर 70 यानी कि 70 बाइट, कोई दिक्कत। जेड बी के बाद में एक वाई बी यानी कि योटा बाइट 2 की पावर 80 बाइट, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं या फिर यहां पे लिख देता हूं। वाई बी के बाद में क्या आता है, एक ब्रोंटो आता है, क्या 1 ब्रोंटो बराबर क्या होगा 2 की पावर 90 बाइट 2 की पावर 90 बाइट। उसके बाद में ब्रोंटो के बाद में जियो, 1 जियो बराबर होगा 2 की पावर 100 बाइट। ये आपकी सारणी है दोस्तों, बहुत ही आपके काम आने वाली है, ये इंपॉर्टेंट सारणी है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप पॉज करके आप वीडियो को इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट किसी तरह से आ सकता है। अगर आपको ये पूछ लेना 2 की पावर 50 बाइट किसके बराबर है तो 1 पीबी के बराबर है, 2 की पावर 30 किसके बराबर है 1 जीबी के बराबर है, एक तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। और एक क्या पूछ लिया जाता है कि 1 टीबी बराबर पावर में अगर दिया गया है तो 1 टीबी बराबर क्या होगा 2 की पावर 40 बाइट होगा, कोई दिक्कत इसमें। तो दोनों साइड से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, निकालने का तरीका मैंने पहले बता दिया, अब ये आपके सामने ये टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखो चलो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, आगे हम चलते हैं इसमें, वो भी आपके सारणी इंपॉर्टेंट ही होगी। एक सारणी और बताऊंगा मैं आपको इसमें, देखो क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, हमें हर तरह से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो वो आपको जरूर करना है, और मैं यहां पे आपको इजी से इजी ट्रिक से बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया, अब देखो आगे पढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि 1000 बाइट बराबर बाइट कितना होता है, क्या पूछ लिया 1000 बाइट कितना होता है, किसके बराबर है 1000 बाइट किसके बराबर है। ठीक है, 1000 क्या हो गया यहां पे 1000 हो गया। ठीक है, 1000 बाइट किसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें अभी तक हमने 1024 पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 1024 पढ़ा, 1000 तो कहीं पे आया ही नहीं। ठीक है, अब देखो हम ये जानते हैं कि 1KB बराबर 1024 बाइट होते हैं, इतना तो क्लियर है, 1KB में बाइट 1024 होते हैं। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 1000 बाइट, 1000 बाइट भी लिख सकते हैं। ये जो मान है ये लगभग मान है इसका। ठीक है, 1000 जो बाइट है ये 1024 का लगभग मान है। क्वेश्चन में अगर ये आ जाए 1KB बराबर क्या होता है, ये आ जाए कि 1KB बराबर आ जाए क्या, दे 1024 MB
1024 जीबी, 1024 वाईबी या फिर आ जाए 1000 बाइट, तो आप क्या करके आओगे? 1024 के भी बराबर आपको पता है 1024 बाइट होता है, तो यहां पे 1024 बाइट है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो यहां पे क्या है, इसका नजदीकी मान कितना है 1024 का? 1000 है, तो 1000 बाइट ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत चलो ये तो था एग्जांपल आपको समझाने के लिए। अब देखो इसमें क्या होता है, आगे देखो, ठीक है, ये क्या आ गया, इसका लगभग मान आ गया यहां पे 1000 बाइट हम लगभग में ले सकते हैं। और 1000 बाइट बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है 10^3 बाइट के बराबर, ठीक है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि 1024 बाइट है वो 2^2 कितनी होती है, 10 होती है, इसमें तो पूरा ही आएगा 1024, और 10^3 बराबर क्या होता है 1000 बाइट होते हैं, लगभग मान में होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ए के बी को हमें, ये तो अगर पूरा आंसर आपको दिया हुआ मिले ऑप्शन में तो इसको टिक करके आना है, और लगभग मान में 1000 बाइट दी गई है तो इस पे टिक करके आना है। अगर 3^3 10^2 दी गई है तो ये आपको करके आना है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये पूछ ले कि अगर कभी भी आपको केबी में मान पूछा, कभी भी केबी में मान पूछा, या फिर आपको 1000 में, 1000 में मान पूछा, सपोज करो आपको पूछ लिया 50000 बाइट बराबर क्या होंगे, तो 50 क्या होंगे, केबी हो जाएंगे। जब भी आपको 1000 में कोई भी मान पूछे तो केबी में ही आंसर करना है आपको, क्या पूछे, केबी में, चाहे संख्या कितनी हो, जैसे 50 केबी, 50000 बाइट दे रखिए, 50000 बाइट बराबर क्या होंगे, तो आपको क्या करके आना है इसमें, 50 केबी करके आना है। अगर आपको यहां पे 100000 बाइट दे दे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 केबी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1000 में कोई भी बाइट का पूछा जाए मान, चाहे संख्या चाहे उसके आगे कितनी हो, जो भी संख्या हो, उसका जो आंसर किसमें आएगा, केबी में आएगा, और संख्या वो सेम आ जाएगी। अगर 2000 दे दी जाए यहां पे, 2000 बाइट, तो ये किसके बराबर है, 2 केबी के बराबर है, कोई दिक्कत। 1000 में कोई भी मान पूछे तब आपको केबी में ही करके आना है, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, इसमें अगर आपको 1000 में दिया जाए मान तो केबी में करके आना है, और केबी के बाद में क्या आता है दोस्तों, केबी के बाद में आता है एमबी, एमबी पूछा जाए कि कितने एमबी में बाइट होते हैं, तब आपको क्या करके आना है, ये तो आ गया 1000 का एमबी को, सॉरी यहां पे मिलियन में पूछा जाए, 1000 के बाद में मिलियन, मिलियन में पूछा जाए तब आपको किस में करके आना है, एमबी में करके आना है। मतलब ये पूछ लिया जाए कि 10 मिलियन किसके बराबर है, तो 10 एमबी के बराबर है, 100 मिलियन किसके बराबर है, तो 100 एमबी के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। उसके बाद में आता है बिलियन, BILLION, बिलियन बराबर होते हैं, 1 बिलियन बराबर होते हैं जीबी, जीबी में करके आना है मान, ठीक है, बिलियन का क्या हो गया, जीबी में, यानी कि यहां पे 10 बिलियन बराबर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 जीबी हो जाएगा, और 100 बिलियन यहां पे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 जीबी हो जाएगा, ठीक है। एम मिलियन, एम यहां पे है और एम यहां पे, दोनों मिल जाएंगे,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, इसके बाद में आता है ट्रिलियन। ट्रिलियन, ट्रिलियन बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। ट्रिलियन का पूछा जाए तब आपको करके आना है टीबी, टी फॉर ट्रिलियन, टी फॉर टीबी यानी कि टेराबाइट। आपको पूछ रही है कि 10 ट्रिलियन बराबर क्या होगा, तो 10 टीबी होता है। डायरेक्ट पूछ ले कि ट्रिलियन बराबर, तो टीबी में मान होगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ रहा है ना समझ में आपके? ठीक है, आपको साथ साथ में लिख रहे हो तो साथ साथ में बढ़िया है, आपके याद होते जाएंगे। अगर पॉज करके वीडियो को लिख रहे हैं तो ठीक है, और वीडियो अगर समझ में नहीं आती है, कोई दिक्कत है, तो आप उनको दोबारा देखो, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको इजी ट्रिक से समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसमें कि इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि 1 MB बराबर, 1 MB बराबर, मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे पूछ लू 1 MB बराबर कितने होंगे, ठीक है। तो 1 MB बराबर, ये तो हमें पता है 1024 × 1024 होता है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम लगभग मान में लिखेंगे तो 1000 का लगभग मान है 1000 हो गया, 1000 × 1000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो है एग्जैक्ट मान, ये है लगभग मान, और 1000 × 1000 को लिख सकते हैं हम 10^3 × 10^3 बराबर क्या हो गया, 10^6। ये तो एक निकालने का जरिया है, ये तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने बताया कि इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको, क्या क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लास्ट पर्सन है, जितने भी मेमोरी यूनिट के इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं वो मैं आपको करवा चुका हूं, और ये लास्ट पर्सन है। देखो ध्यान से, इस पर्सन में क्या पूछा गया है, देखो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा कि 25 बिलियन बाइट बराबर क्या होता है, क्या 25 बिलियन बाइट बराबर क्या होंगे, ठीक है। 25 बिलियन बाइट पूछा है यहां पे, 25 बिलियन, तो 1000 का मैंने बताया, 1000 का पूछा जाए तो केबी में करना है, मिलियन पूछा जाए तो एमबी में करना है, और मिलियन के बाद में क्या आता है, बिलियन, बिलियन को पूछा जाए तो जीबी में करना है। तो आंसर यहां पे अगर पर्सन दिया जाए, क्वेश्चन यहां पे ऑप्शन दिया जाए कि क्या दिया जाए, एक तो दिया जाए आपके 25 MB, दूसरा ऑप्शन दिया जाए 25 GB, तीसरा ऑप्शन दिया जाए 250 TB, और फिर दिया जाए 250 GB। अब क्या करके आओगे इसमें, सारणी तो मैंने लिखवा दी कि 1 KB अगर 1000 का है तो KB करना है, मिलियन का है तो MB करना है, बिलियन का है तो GB करना है, और ट्रिलियन का है तो TB करके आना है। तो यहां पे बिलियन पूछा है, तो इसका मतलब इसका आंसर तो GB में ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, GB में ही आएगा। अब GB तो यहां पे ये भी GB है, ये भी GB है, लेकिन इसके आगे संख्या क्या है, 25 बिलियन पूछा गया है। तो ये ध्यान करना, जितनी संख्या है वही संख्या वाला आपको उस पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। बिलियन का मान तो GB में आएगा, कंफर्म है, लेकिन संख्या क्या पूछी गई है, 25 बिलियन पूछी गई है, तो 25 GB हो जाएगा, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सारणी और बता देता हूं मैं आपको, देखो एक सारणी लगभग मान में बताऊंगा मैं, ठीक है, लगभग मान में बताता हूं आपको, देखो एकदम बिल्कुल आने वाले पर्सन है ये, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आराम से आप सारे ये जो क्वेश्चन लिखवाए हैं मैंने, ये आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो लगभग मान की, एक्चुअल मान की, सही जो मान आएगा वो मैंने आपको बता दिया, 1024 वाला है,
और लगभग मान 1000 वाला है। तो देखो इसमें टेबल KB बराबर होता है tan की पावर क्या होगा 3 होता है, यानी कि 1000 होता है। MB बराबर होता है tan की पावर 6 हो जाएगा, यानी कि यहां पे 3 की पावर बढ़ती जाएगी। GB बराबर होता है tan की पावर 9, GB के बाद में TB बराबर होता है टेराबाइट tan की पावर 12, और TB के बाद में क्या आएगा दोस्तों PB बराबर होता है tan की पावर 15, TB के बाद में EB हेक्साबाइट tan की पावर 18, और EB के बाद में जेटाबाइट होगा tan की पावर 21, और ZB के बाद में YB योटाबाइट होता है tan की पावर 24, और ब्रोंटो बराबर होगा tan की पावर 27, और जियोप बराबर होगा tan की पावर 30। ये सभी मान क्या है, ये बाइट में है, किसमें है, बाइट में मान है। ये जो मान आएंगे ये लगभग मान में है दोस्तों, इसमें है लगभग मान में है ये, ठीक है। और जो मैंने ये बताया था आपको 1 KB बराबर 1024 बाइट, यानी कि 2 की पावर 10, ये एक्चुअल मान में, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारणी है दोस्तों, ये आप उतार लेना, बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नया लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।